हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास है आपका पेपर फॉर जून 2018 एग्जामिनेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स पेपर फॉर जून 2018 एग्जामिनेशन। पेपर ऑलरेडी आप दे चुके हैं। यस्टरडे आई वाज नॉट अवेलेबल, अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है कि सेम डे जैसे अभी हम करते आए हैं पहले, आपके साथ बेटा पेपर का एनालिसिस मैं करूँ। पेपर अगर मैं जीएसटी की बात करता हूँ, तो अगर किसी स्टूडेंट ने जीएसटी का सिर्फ इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल भी गो थ्रू किया था, और स्टडी मॉड्यूल पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैंने दिसंबर 17 एग्जाम के लिए भी किया था, और जो स्टूडेंट मेरे साथ हमारी वेबसाइट पर वीडियो क्लासेस बाय कर रहे थे, उनको मैंने कहा था बेटा स्टडी मॉड्यूल को एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा अच्छी तरीके से। जीएसटी का पेपर आसान था, ठीक है, और ऑलमोस्ट पेपर बेटा आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल से पूछा गया था। नॉट दिस ओनली, कुछ प्रैक्टिकल कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो इवन इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में से जो उन्होंने वहां पर दे रखे हैं एज इट इज क्वेश्चन वहां पर छाप दिए और कुछ एग्जाम्पल्स को उठाकर बना दिया। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर क्वेश्चन पेपर एंड मैचिंग विद योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, तो बेटा ऑलमोस्ट पेपर हमारा जो जीएसटी का है वो आपका आया है सीएस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, बट वहां पर भी इंस्टीट्यूट ने कुछ मिस्टेक कर दी, मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा। बट थिंग इज, पेपर सिर्फ 30 नंबर का नहीं था बेटा, पेपर 100 मार्क्स का था, और जब मैं पहले 70 मार्क्स की बात करता हूँ, पहला 70 मार्क्स जो हमारा इनकम टैक्स का है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि 70 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं थे। कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो हम सीए फाइनल के स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में डिटेल नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो सीए फाइनल के स्टूडेंट के साथ या सीएमए फाइनल लेवल पर जो डिस्कशन किया जाता है, इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे कंसेप्ट को टच कर लिया। इंस्टीट्यूट को हम कुछ नहीं कह सकते, रीजन बीइंग क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मॉड्यूल में पूरा इनकम टैक्स एक्ट ऑलमोस्ट बेटा कवर किया गया है, ठीक है। बट अगर हम एक ट्रेंड की बात करते हैं या लेवल ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट की बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। डिटेल में डिस्कशन अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, रीजन बीइंग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कॉल आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर सेट ए था तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शुरू में कुछ आसान पेपर आ गए क्वेश्चन, क्योंकि जनरली सेट ए में जो एग्जामिनर स्टार्ट करता है वो बेसिक चैप्टर से करता है, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जामिशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। बट ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सेट बी सी डी आ गया, वो थोड़े ज्यादा परेशान होंगे, रीजन बीइंग उनके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए, पहले क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, कुछ ऐसे क्वेश्चन नजर आ गए जो उनको परेशान करने के लिए सफिशियंट थे, और यही हुआ जो होता है, उन्हीं कुछ क्वेश्चन को देखकर बच्चे परेशान हो गए और आगे के आसान क्वेश्चन को भी वो अटेम्प्ट उतनी ही मुश्किल से कर पाए, और जिन्होंने शुरू में आसान क्वेश्चन देख लिए उनका पेपर भी अच्छा रहा। बट ओवरऑल अगर बात करें तो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड नहीं थे हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल एग्जाम पर। डिटेल में डिस्कशन आपके एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में करूंगा, 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पूरे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहा था, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन का या तो ऑप्शन ही वहां पर नहीं था, मतलब वो गलत क्वेश्चन थे, उनके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, या उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी। इस बारे में इस बार हम एक जरूर एक्शन लेंगे। आई वुड लाइक कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं या मेरे पेड स्टूडेंट हैं, उनके साथ हम एक डिस्कशन करेंगे कि इस बार इंस्टीट्यूट को एक कॉमन मेल फॉरवर्ड किया जाए, वो कॉमन मेल या आरटीआई हम डिस्कस करेंगे, बट वो सभी अभी एग्जाम के बाद करेंगे, ताकि एटलीस्ट वी कम टू नो कि अगर क्वेश्चन गलत है, टोटली गलत है, एक होता है कंसेप्चुअल मिस्टेक और एक होती है रॉन्ग क्वेश्चन, तो अगर रॉन्ग क्वेश्चन है तो इंस्टीट्यूट किस तरीके से उस पर मार्क्स को अलॉट करता है। चलिए वापस आते हैं, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो मेरे हाथ में है, मेरे पास सेट सी है मोस्ट प्रॉब्ली, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ, बट जो मैंने आंसर शीट टैग की है बेटा इस वीडियो के साथ, तो वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के नंबर के साथ वहां पर फर्स्ट सेकेंड जो वर्ड है वो टैग किया है, सो दैट आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी है, तो आप उस नाम से उस क्वेश्चन को इजिली रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक क्वेश्चन है 10, और इसमें एक बड़ी मिस्टेक एग्जामिनर ने करी, मैट क्रेडिट का एक क्वेश्चन पूछा गया, मैट क्रेडिट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया।
मेट क्रेडिट और सेम एएमटी क्रेडिट में भी बेटा कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। इस एएमटी क्रेडिट की बात करें या मेट क्रेडिट की बात करें, इसके ऊपर लॉ बदल चुका है। फाइनेंस एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली जो मेट क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करने का पीरियड है वो 10 की जगह बेटा 15 साल हो चुका है। ठीक है, ये मैंने अमेंडमेंट कवर की थी, ये बुक में मिस्टेक थी मगर मैंने स्टूडेंट को कम्युनिकेट किया था। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है 5, 8, 10, नो टाइम लिमिट। तो बेटा इसमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन सी मार्क किया होगा शायद उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने पुराने कंसेप्ट के हिसाब से ही पेपर बनाया है, पुराने लॉ के हिसाब से बनाया है, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आंसर भी एज्यूम कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेरे पास यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर सोलोमन आर रेजिडेंट इन इंडिया, एज 70 एंड हैज फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2017-18। अब इस क्वेश्चन में हमें बेटा टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी। अगर आप ध्यान से देखें, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉय 2,30,000, रेंटल इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, एंड एग्रीकल्चर इनकम इज 60। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है, मगर कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली अगर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो इन दैट केस कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं निकाल पाएंगे बेटा, आपको स्टेप वन लेना पड़ेगा जहां पर आपको एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को मिलाकर टैक्स निकालना पड़ेगा। स्टेप टू में आप एग्जेम्पशन लिमिट, जो कि इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए होगी क्योंकि 70 ईयर्स है एज, ठीक है, उसे आप लेंगे और साथ में एग्रीकल्चर इनकम को निकालकर टैक्स निकालेंगे, और स्टेप थ्री में आप स्टेप वन और टू के टैक्स का बैलेंस लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, जब स्टेप वन में हमारे पास जो टैक्स यहां पर आएगा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को मिलाकर आप करते हैं, तो इनकम हो जाती है हमारे पास 4,90,000, और इसके ऊपर जो हमारे पास टैक्स आता है दैट इज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये वाला जो टैक्स हमारे पास आता है, ये टैक्स बेटा हमारे पास आता है कुल मिलाकर 9,500 रुपीज। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इनकम है 4,90,000, जिसमें से 3 लाख टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए यहाँ पर होगी, बाकी 1,90,000 पर 5% का टैक्स लगेगा, ये हो गया 95। ठीक है, अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं, कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में हम निकालेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है, इसमें हम एग्जम्पशन लिमिट को ऐड कर देते हैं प्लस एग्रीकल्चर इनकम को लेकर टैक्स निकालते हैं। तो एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख, एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास कितनी है बेटा 60,000, अगर इनको ऐड करते हैं तो जो टैक्स हमारे पास आएगा 60,000 पर टैक्स निकालेंगे 5% के हिसाब से, ये हमारे पास आएगा 3,000। स्टेप वन में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो ये आता है 6,500 रुपए। अब इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, क्योंकि इनकम 3,50,000 को क्रॉस कर रही है, रिबेट 87A की नहीं मिलेगी, इसके ऊपर डायरेक्टली 3% हमारा लगेगा जो रहेगा 195, और टोटल हमारे पास आएगा 6,695। राउंड ऑफ भी करते हैं तब भी हमारे पास 6,700 आना चाहिए, ये ऑप्शन आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर एग्जामिनर से मिस्टेक हुई है, शायद एग्जामिनर ऊपर 70 की जगह अगर 80 या 80 से ज्यादा एज लिख देता तो फिर यहां पर आंसर हो जाता आपके पास डी, क्योंकि निल, क्योंकि इनकम, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ये ऑप्शन दे रहा है तो शायद एग्जामिनर 80 ईयर्स, तो या तो ये एग्जामिनर ने बहुत पुराना क्वेश्चन उठाया है किसी पुरानी बुक से, क्योंकि एग्जामिनर 2013 दिसंबर 2014 से पहले भी एग्जामिन आपका जो पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था उसमें एमसीक्यू पूछे जाते थे। हो सकता है बहुत पुराना क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाया हो जहां पर उसने चेंज करने की कोशिश की मगर पूरी तरीके से चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका गलत है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43, मेरे पेपर हाथ में जो पेपर है इसके अकॉर्डिंगली 42 एंड 43। एक्चुअली अगर क्वेश्चन की बात करें ये गलत नहीं है, बट मगर इसमें बेटा ये रॉन्ग नहीं है मगर इसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है समझिए, ये बायबैक का क्वेश्चन है। ठीक है, बायबैक का क्वेश्चन है और लिस्टेड शेयर परचेज किए गए हैं। क्वेश्चन इज क्लियर, सारा ठीक है, ऑप्शन भी वहां मिल जाएगा, मगर एग्जामिनर ने यहां पर कहा है कि बायबैक में 6 लाख रुपए पे किया गया शेयर होल्डर को, और लॉ मेकर ने कहा बताओ 6 लाख रुपए जो मिला है, ठीक है, उस पर टैक्स कितना होगा। 6 लाख टैक्सेबल नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर समझिएगा, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है, क्योंकि 6 लाख रुपए अगर मिला है तो बेटा 6 लाख रुपए पर पहले कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, जिसमें क्योंकि शेयर 2 साल पुराने हैं, लिस्टेड है, तो उस पर आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, और कैपिटल गेन बहुत ऑब्वियस है 6 लाख रुपए से कम रहेगा। तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ 6 लाख नहीं आना चाहिए था, टैक्सेबिलिटी 6 लाख की नहीं होगी, 6 लाख से कम की होगी। टैक्सेबल पूरा नहीं हो सकता,
फुली एग्जाम्प्ट नहीं हो सकता क्योंकि बायबैक का सिचुएशन है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो 20% वाला है, मगर यहाँ पर ये 6 लाख रुपए जाते हैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, ठीक है, इसे हम रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मगर क्वेश्चन नंबर 2043 आया है, इसको आप डिसाइड कीजिए, मैं आपके साथ कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ पर लॉ मेकर ने पूछा है, बताओ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसके साथ सेटअप हो सकता है। अरे भाई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो किसी के साथ भी सेटअप हो सकता है इन द सेम ईयर, ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ फाइनेंस एक्ट 17 में एक रिस्ट्रिक्शन आई है, जब हम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड सेटअप करते हैं तो 2 लाख की लिमिट होती है। हाउएवर यहाँ पर ये 2 लाख रुपए वाले के अमाउंट के बारे में नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसके साथ सेटअप हो सकता है, ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल हो सकता है, कैपिटल गेन बिल्कुल हो सकता है, अदर सोर्सेज बिल्कुल हो सकता है, तो आंसर तो होना चाहिए तो ऑप्शन ए बी सी ऑल, मगर यहाँ पर डी दिया गया है ए एंड सी अबव, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो नहीं है, ठीक है, ए भी है बी है सी, तीनों ही एप्लीकेबल हमारे पास है, ठीक है जी। चलिए इनकम टैक्स के ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 क्वेश्चन हमारे गलत हैं और 1 में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, अगर उसे हम बाहर भी रख देते हैं फिर भी 3 क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। अब चलते हैं जीएसटी की तरफ, जीएसटी के 3 क्वेश्चंस यहां पर मैं आपके साथ कर रहा हूं, पहले मैं यहां लिख लेता हूं यूनियन के लिए, 1 is 80 then 89 and 95। चलिए 1 by 1 इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 80 जो मेरे सेट सी के हिसाब से है, सेक्शन 56। अब यहां पर एग्जामिनर से मिस्टेक क्या हुई, क्वेश्चन करेक्ट है, यहां पर जो ऑप्शन ए है बेटा ये हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो रिफंड का इंटरेस्ट है उसके 2 होते हैं, जनरल केसेस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड पर होता है जीएसटी में वो 6% है, और अगर एपलेट अथॉरिटी डिसीजन ऑर्डर करती है रिफंड देने का तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 9% होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, लॉ मेकर से मिस्टेक हुई, सॉरी क्वेश्चन पेपर बनाते हुए मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ये 90% नहीं है, ये 90% यहाँ पर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन ए किया होगा, कंप्यूटर में लॉ एग्जामिनर ने ए ही ऑप्शन किया होगा, तो वो बेटा करेक्ट है, तो वो 90 नहीं है, ये 9 यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, उसके ऑप्शंस करते हुए 90 की जगह 9 है, तो ये एक कंसेप्ट, ये मिस्टेक है लॉ मेकर से, मगर बाकी के 2 क्वेश्चन गलत हैं, इनको देख लेते हैं। एक है क्वेश्चन 89, क्वेश्चन 89 में क्या है हमारे पास, टैक्सेस वर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी लेजिस्लेशन, ये पता है मुझे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन दे दिया होगा, मगर भाई परचेज टैक्स भी क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, टैक्सेस दैट वर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी लेजिस्लेशन आर, परचेज टैक्स भी हुआ है बेटा सब्ज्यूम, लग्जरी टैक्स भी हो चुका है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हमारा हो चुका है, तो ये तीनों ही जो टैक्सेस हैं सब्ज्यूम हो चुके हैं, मगर ऑप्शन दिया गया है अगेन जैसे पहले एक आया था जो हमने अभी देखा था कि वहां पर मिस्टेक थी इनकम टैक्स में, ऐसी ही यहां पर है, यहां पर ऑप्शन डी होना चाहिए था, ए बी एंड सी ऑल अबव, ठीक है ऑल ऑफ अबव, मगर एग्जामिनर ने यहां पर गलत दिया, तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे शायद फंस गए होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, यहां पर या तो लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए या ऑप्शन चेंज होना चाहिए। और लास्ट एक क्वेश्चन मेरे हाथ में है, क्वेश्चन नंबर 95। अब देखिए ये भी बड़ा मजेदार है, यहां पर अब गलती कहें टाइपिंग मिस्टेक कहें, बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बेटा गलत है, ठीक है। हाँ आपने अगर एक ऑप्शन में दे रहा हूं लिया होगा तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस इज प्राइमरली कवर्ड इन सेक्शन डैश ऑफ सीजीएसटी। अरे भाई आप इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हो और उसके बाद आप सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हो, जो सेक्शन दिए गए हैं, जो सेक्शन 8 दिया गया, देखो अगर मैं इसे सीजीएसटी एक्ट के साथ पढ़ता हूं तो जो सेक्शन 8 दिया गया है सीजीएसटी एक्ट का, ठीक है, जो सेक्शन 12 दिया गया ऑप्शन 1 बेटा, ये होता है टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, ये होता है टाइम ऑफ सप्लाई, समझिएगा, ठीक है। इसका जो सेक्शन 14 का ऑप्शन दिया गया है ये होता है चेंज इन रेट, ठीक है। ऑप्शन सी 8 दिया गया है ये होता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है। और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है 18 सेक्शन बेटा, ये होता है इनपुट टैक्स रिलेटेड से। तो आप एक तरफ तो पूछ रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई का, पूछ रहे हैं यहाँ पर आप इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, और बेटा दूसरी तरफ आप यहाँ पर लॉ मेकर आपसे कह रहे हैं अबाउट सीजीएसटी। एक्चुअली जो सीजीएसटी है बेटा ये गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था आईजीएसटी, जैसे ही आईजीएसटी आएगा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, और इन दैट केस सेक्शन जो 8 होगा आईजीएसटी का बेटा ये रिलेट करता है किसके साथ, सर्विसेज के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन
में पूछा गया सीजीएसटी और ऑप्शन भी सीजीएसटी के दिए गए, मगर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था आईजीएसटी के बारे में, ठीक है? तो ये एक गलत क्वेश्चन है। हाँ, जिन्होंने ऑप्शन सी दिया होगा बेटा उनको मार्क्स मिल जाएंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो सीजीएसटी है वो एक गलत आ रहा है, तो आईजीएसटी हो सकता था। तो ये तीन मिस्टेक्स हमारे पास है इनकम कहाँ थी हमारे पास जीएसटी में, और कुल मिलाकर हमारे पास आई थिंक 4 से 5 जो मिस्टेक थी वो थी हमारे पास इनकम टैक्स में के पेपर में, ठीक है? तो ये ओवरऑल रहा। इस बार शायद जो पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट के 60 प्लस आ गए थे, इस बार एग्जाम में लेना मुश्किल होगा। अगेन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे बेटा परेशान मत हुई नेक्स्ट पेपर के लिए, जिन स्टूडेंट का बोथ ग्रुप है उनका कल आईएलजीएल का पेपर होगा तो प्लीज उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, छोड़ने नहीं है। और जो स्टूडेंट अभी सिर्फ ग्रुप 1 के लिए हैं तो छोड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि मेरे पास 3-4 स्टूडेंट के कॉल आए हैं कि सर हम पेपर नहीं दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल है कि उनको मोटिवेट करने में। नहीं बेटा, पेपर जरूर देना है, ठीक है? पेपर को छोड़कर नहीं बैठना है, ठीक है? सो फॉर रेस्ट ऑफ द पेपर ऑल ऑफ द बेस्ट। अभी मैं कोई भी क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, अगर आप कमेंट में पूछेंगे भी, वंस योर पेपर आर फिनिश्ड मैं पूरा का पूरा पेपर डिटेल में एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? और आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में बेटा हमारा जो आंसर है इस पेपर का, सजेस्ट आंसर मैंने लिंक किया है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एग्जाम के बाद मिलते हैं, इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।